नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपका जो 12th लेसन है उसके अंदर अपन ने बात की थी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके रासायनिक गुणों को लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, 13वां जो लेसन है, 13th चैप्टर, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। जी हाँ, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह ये हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, तो आइए इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अपने को मिलने वाला है। आज का जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एमीन है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे एमीन के बारे में कि जो एमीन है क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो नामकरण है, नामकरण में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनका नामकरण को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नामकरण को लेकर इस वीडियो के बाद आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है 12th के लेवल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं लेसन नंबर 13, जिनका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक है जी। ये है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। इसके बारे में जो अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, देखिएगा इस चैप्टर में, एक तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, एमीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एमीन के बारे में बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे साइनाइड के बारे में बात करेंगे। एक अपन बात करेंगे नाइट्रो यौगिकों के बारे में। किसके बारे में, नाइट्रो यौगिकों के बारे में बात करेंगे, नाइट्रो यौगिक के बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम बात करेंगे आपके डाई एजोनियम लवण के बारे में, डाई एजोनियम लवण के बारे में। और एक अपन बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर यूरिया के संदर्भ में, ठीक है। तो ये पांच टॉपिक है, इनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि एमीन क्या होते हैं, साइनाइड क्या होते हैं, नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, डाइजोनियम लवण, यूरिया क्या होते हैं, इनको बनाने की विधियां कौन कौन सी है, ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है देते हैं, ये सारी चीजें जो है हम बात आज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम प्रारंभ करते हैं, देखते हैं, एक तो अपन बात करते हैं कि किस प्रकार के जो नाइट्रो यौगिक है कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखिएगा, एक सामान्य चर्चा अपन एक बार पहले कर लेते हैं इनके बारे में कि जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं कैसे कैसे आपके हो सकते हैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है साइनाइड, देखिएगा साइनाइड में क्या होगा, देखो ये कार्बन है और ये कार्बन आगे यहां पर हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है एल्किल समूह हो, और ये इस प्रकार से नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ये होगा साइनाइड। एक होता है आइसोसाइनाइड, देखिएगा आइसोसाइनाइड में क्या होगा कि यहां पर जो जुड़ा होगा ये कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, यानी एल्किल समूह के साथ ले लो, यानी यहां पर एल्किल समूह हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, उसकी जगह पे कौन जुड़ा होगा, या तो एल्किल समूह जुड़ा होगा यहां पर, या कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसाइनाइड। अगला आता है आपका नाइट्रो यौगिक, देखिएगा नाइट्रो यौगिक, देखिए नाइट्रो यौगिक में क्या होता है, जैसे अपन बात के बारे में था कि नाइट्रो और एक होता है नाइट्राइटो, है ना, तो इसको समझिएगा आप। नाइट्रो में क्या होगा, देखो जो बंध के साथ जुड़ा होगा वो कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, इस प्रकार से ये होता है नाइट्रो यौगिक। और एक होता है नाइट्राइटो, इसमें देखो कौन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा इस तरह से, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है नाइट्राइटो की। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर एल्किल समूह के साथ या हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो यौगिक। और यदि कौन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो उसे अपन बोलेंगे नाइट्राइटो। एक और होता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो में क्या होगा, देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से होती है संरचना इसकी, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है नाइट्रोसो, ठीक है। तो देखो साइनाइड में क्या होगा कि एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ा होगा, कार्बन जुड़ा होगा,
आइसोसाइनाइड में एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रो यौगिक में एल्किल समूह के साथ कौन जुड़ा होगा? नाइट्रोजन। नाइट्राइटो में कौन जुड़ा होगा? ऑक्सीजन। और नाइट्रोसो में कौन जुड़ा होगा? इस प्रकार से नाइट्रोजन। अगला आता है देखो प्राथमिक एमीन, ये आगे अपन बात करेंगे प्राथमिक एमीन क्या होता है। जो यदि नाइट्रोजन जो है इसके साथ अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो इसे अपन बोलेंगे प्राथमिक एमीन, यदि नाइट्रोजन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हो तो इसे अपन क्या बोलेंगे? द्वितीयक एमीन। आगे अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, घबराइएगा मत। और यदि नाइट्रोजन के साथ तीन एल्किल समूह जुड़े हो तो इसे अपन क्या बोलेंगे? तृतीयक एमीन। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार के आपके जो नाइट्रो यौगिक जो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक आता है डाइएजोनियम ना, डाइएजोनियम लड़ा यानी लवण आता है। एजो यौगिक क्या होता है? देखो एजो यौगिक का मतलब यदि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे अपन बोलते हैं एजो यौगिक। क्या बोलते हैं? एजो यौगिक बोलते हैं यदि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य क्या हो? त्रिबंध हो। यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य क्या हो? त्रिबंध, इसे अपन बोलते हैं एजो यौगिक। क्या बोलते हैं? एजो यौगिक। ठीक है जी, मिटाएं। चलो अब अपन बात करते हैं एमीन के बारे में। अपना जो लेक्चर शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं अपन एमीन को लेकर। देखिएगा एमीन क्या होते हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे विस्तार से अपन। बहुत ही बेसिक लेक्चर रहने वाला है और इसको आप अगर नहीं देखते हो तो मैं ये कहूँगा आपको कि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपके सही समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस बेसिक वीडियो को आप जरूर देखें, अच्छे से देखिएगा। हम बात करते हैं एमीन को लेकर। एमीन क्या होते हैं? एमीन देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि NH3 ये क्या है, आप कहोगे कि सर ये क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। अब यदि इस अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाए, किससे? अमोनिया से। देखो कैसे, इसको मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है अमोनिया, सॉरी क्या रे यार, ये NH3। इस अमोनिया का विस्थापन अगर मान लो किसके द्वारा हो जाए? एल्किल समूह के द्वारा, यानी एल्किल समूह इसमें जुड़ जाए और बाहर कौन निकल जाए? हाइड्रोजन निकल जाए। तो ये हो जाएगा R, यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो जाएगा? ये NH2। ठीक है, अब इसमें से भी अगर मान लो हाइड्रोजन, इसको अपन बोलेंगे 1° एमीन। क्या बोलेंगे? 1° एमीन या प्राथमिक एमीन बात करेंगे। अब इसकी क्रिया फिर से एल्किल समूह से कराएंगे तो फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? RNHR, यानी ये हो जाएगा 2° एमीन। इसकी क्रिया फिर से कराते अपन किससे? R से, तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? RNR और ये R, यानी ये हो जाएगा 3° एमीन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो है किस प्रकार से अपन दे सकते हैं? देखो सबसे पहले आपके पास क्या था? अमोनिया है, NH3। ठीक है, तो अपन यूं कह सकते हैं कि जब अमोनिया से एक या एक से अधिक, जब अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन जो है किसके द्वारा हो जाता है? एल्किल समूह द्वारा हो जाता है। जब अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। ठीक है ना, जब किसी अमोनिया से, ये अमोनिया है NH3 और इसमें से हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? एल्किल समूह द्वारा, तो उसे अपन कहेंगे एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एमीन। चलो अपन बात करते हैं इस एमीन के प्रकार के बारे में भी, कितने प्रकार के ये एमीन जो है अपने को मिल सकते हैं। मिटा दें इसको। चलो एमीन के अपन टाइप्स की बात करते हैं, एमीन के प्रकार की बात करते हैं कि कितने प्रकार के एमीन जो है वो आपको मिलेंगे। देखिएगा यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं समझने के लिए, CH3NH2। अगर मैं कहूं कि यहां पर नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन के ले लो या फिर एल्किल समूह ले लो, कितने से जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर एक कार्बन से जुड़ा हुआ। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो इसे अपन बोलेंगे 1° एमीन या प्राथमिक एमीन। 1° एमीन या क्या कहेंगे? प्राथमिक एमीन। यदि अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन और निकाल दूं, NH इधर जोड़ देता हूं मैं, CH3 इधर भी क्या जोड़ देता हूं मैं? CH3। बताओ यहां पर नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहां पर आप कहोगे सर नाइट्रोजन जो है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? 2° एमीन या फिर द्वितीयक एमीन, यानी सेकेंडरी एमीन।
टू डिग्री मीन या द्वितीय के मीन। यदि इस हाइड्रोजन को भी अगर मैं क्या कर दूं यहां से विस्थापित कर दूं तो क्या मेरे पास क्या मिलेगा, देखो CH3N यहां पर क्या जोड़ देता हूं मैं CH3 और ये CH3 यहां ऑक्सीजन के सॉरी नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर जो नाइट्रोजन जो है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन जो है यहां पर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन को अपन क्या बोलेंगे थ्री डिग्री एमीन या फिर और क्या बोल सकते हैं थ्री डिग्री या फिर तृतीयक एमीन, क्या कह सकते हैं तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार से ये एमीन के जो टाइप्स हो गए आपके वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, और यदि यहां पर सभी जो है आपके सारे के सारे निकल जाए सभी हाइड्रोजन को अपन क्या करते हैं विस्थापित कर दे, यानी यहां पर भी क्या लग जाएगा यहां पर भी अगर कोई सी एच थ्री समूह अपन जोड़ देता हूं यहां पर अगर सी एच थ्री कुछ जुड़ेगा तो ये नाइट्रोजन में लोन पेयर दान करते नाइट्रोजन क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, देखो इधर सी एच थ्री ये एन सी एच थ्री नाइट्रोजन पर क्या जाएगा प्लस सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे अमोनियम चतुष्क, क्या बोलेंगे अमोनियम चतुष्क कह सकते हैं इसको अपन, क्या कह सकते हैं अमोनियम चतुष्क, यानी जो एमीन है उस पर चार क्या लग जाए एल्किल समूह लग जाए, क्या लग जाए चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। लवण कब बोलेंगे जब यहां पर कोई हैलोजन होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो मान लो कि ये प्लस में यहां लगा देता हूं इस तरह से तो इसको अपन बोलेंगे चतुष्क अमोनियम लवण, क्या बोलेंगे चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम लवण कब कहेंगे जब यहां पर हेलोजन होगा तभी, बाकी अपन बोलेंगे चतुष्क अमोनियम या अमोनियम चतुष्क कहेंगे यदि अगर हेलोजन नहीं होगा, अगर हेलोजन को मैं यहां से ढक दूं, ठीक है क्लियर, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके एमीन, क्या हो गए एमीन, ठीक है एमीन के प्रकार हो गए। अब यहां पर देखो जैसे मान लो इसका नाम अगर अपन देना चाहें तो इसका क्या हो सकता है मेथिल कितने यहां पर चार, अपन कह सकते हैं टेट्रा मेथिल एमीन, क्या कह सकते हैं टेट्रा मेथिल, चार मेथिल है ना तो टेट्रा मेथिल एमीन। यदि यहां पर मेथिल की जगह पे अगर मान लो होता C2H5 होता, यदि मान ले कि इसकी जगह पे यानी ये जो मेथिल है ना इसकी जगह पे क्या होता C2H5, तो C2H5 क्या है बताओ एथिल है, तो नाम क्या हो जाता है इसका टेट्रा एथिल एमीन। और यदि यहां पर क्या होगा C6 अगर मान लो इसकी जगह पे क्या लगा देता हूं मैं C6H5, यानी ये क्या होता है फेनिल, कुछ इस प्रकार से होता है ना फेनिल, देखो इस तरह से ये होता है फेनिल, यानी यहां पर नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर मान लो चार फेनिल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा टेट्रा फेनिल एमीन, क्या हो जाएगा टेट्रा फेनिल एमीन। आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में भी, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया जी, चलो समय क्या हो गया है, चलो समय भी अच्छा खासा हो रहा है, जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो शाम के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है जी, चलो मिटा दें। चलो अब अपन बात करते हैं, ये तो था आपके एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर एल्किल समूह की संख्या के आधार पर था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं देखो सरल एमीन या जिसे अपन बोल सकते हैं साधारण एमीन या सममित एमीन, क्या कह सकते हैं अपन, देखिए सरल एमीन या इसी को अपन बोलते हैं साधारण एमीन, साधारण एमीन या इसी को अपन बोल सकते हैं सममित एमीन, क्या बोल सकते हैं सममित एमीन, ठीक है जी। तो ये क्या होता है ये देखिए बहुत सरल है यार, देखो इधर अगर मैं लिखता हूं CH3NH CH3, बताओ दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान है या अलग अलग है, आप कहोगे सर दोनों तरफ CH3 जुड़ रहे हैं। अगर मैं लिख दूं C2H5 और NH C2H5, बताओ दोनों तरफ समूह समान है या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों तरफ समान समूह है, ठीक है। या लिख देता हूं मैं C6H5 NH C6H5, या इसके लिए भी मैं चलो इधर ये बना देता हूं एक बार, ये जो लिखा हुआ है ना C6H5 इसको मैं बना देता हूं, ये देखिएगा,
ठीक है, इसको भी चलो थोड़ा डिजाइन में बढ़ा देते हैं, बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, देखो इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर C2H5 यानी एथिल, इधर भी एथिल, इधर फेनिल, इधर भी फेनिल, इधर भी फेनिल, इधर भी फेनिल, यानी जो नाइट्रोजन जो है उससे जुड़े हुए जो सभी समूह, अगर आप तृतीय लेना चाहो, ये तो कौन सा गया द्वितीय की मीन, अगर तृतीय भी लेना चाहो तो यहाँ पे भी क्या लगा दो आप, इसको लगा दो, हटा दो यहाँ से C2H5 लगा दो, यानी यदि नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी समूह क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी समूह क्या होंगे, समान होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरल एमीन कह सकते हैं, या साधारण एमीन कह सकते हैं, या सममित एमीन कह सकते हैं। यानी नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी समूह अगर कैसे होंगे, समान होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरल एमीन या साधारण एमीन या सममित एमीन। क्लियर, नाइट्रोजन से जुड़े हुए सभी समूह क्या हो, समान हो। अब देखो मैं इसके अंदर क्या कर देता हूं, चेंज करता हूं थोड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा मिश्रित एमीन या असममित एमीन। देखिएगा, मिश्रित एमीन, मिश्रित एमीन, या जिसे और बोल सकते हैं असममित एमीन, मिश्रित एमीन या असममित एमीन क्या होगा, देखिएगा। इधर लिख देता हूं मैं जैसे CH3NH, इधर क्या जोड़ दिया मैंने C2H5, बताओ दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान नहीं है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, मैथिल लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, मतलब दोनों समूह समान नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, देखो C2H5NH C6H5, क्या बताओ दोनों तरफ जुड़े हुए समूह समान है, नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कौन सा एमीन, मिश्रित एमीन या असममित एमीन। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित एमीन किसे कहेंगे और सरल एमीन किसे कहेंगे। मिश्रित एमीन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित एमीन। और सरल एमीन का मतलब होगा कि जब नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों समूह क्या हो, समान हो, उसे हम बोलेंगे सरल एमीन, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं एलिफेटिक एमीन, किसकी बात करते हैं, एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन की बात कर सकते हैं, एल्किल एमीन कह सकते हैं या एलिफेटिक एमीन कह सकते हैं, यानी जब यौगिक एलिफेटिक यौगिकों से जुड़ा हो, जब नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो, एलिफेटिक यौगिकों से, जैसे मान लो देखता हूं मैं CH3NH2C2H5, या ये भी लिख सकता हूं मैं इस तरह से NH2, है ना, यहां पे एक चीज ये बोल गया अपन NH2, ठीक है। और जैसे मान लो ये लिख देते हैं अपन इस तरह से, तो ये जो देखो आप सभी जानते हो, ये सब कौन से यौगिक है, एलिफेटिक, आपने 11th में पढ़ा होगा एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में, है ना, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन जो है, जब एलिफेटिक यौगिक से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, एलिफेटिक यौगिकों से, या एलिफेटिक समूह कह सकते हो, तो अपन बोलेंगे एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन किसे कहेंगे, जब नाइट्रोजन जो है किससे जुड़ा होगा, एल्किल समूह से जुड़ा होगा, तो ये हो गया एलिफेटिक एमीन। यानी अगर जो एमीन समूह जो है, यानी NH2 समूह, या जिसे NH2 समूह का, यानी एमीन समूह का जो नाइट्रोजन जो है, अगर वो एलिफेटिक समूह से जुड़ा होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एमीन कहेंगे, क्या कहेंगे, एलिफेटिक एमीन। अगला आता है एरोमेटिक एमीन, यानी अगर जो एमीन समूह है, अगर वो एरोमेटिक समूह से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक समूह से, जैसे कि मान लो इधर देता हूं मैं C6H5, है ना, और ये लिख देता हूं मैं NH2, तो इसको आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से, यानी यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो एमीन समूह है, NH2 जो समूह है, ये किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक समूह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति वाले या इस प्रकार के जो एमीन होंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक एमीन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक एमीन, जिसमें
एमीन जो समूह है वो एरोमेटिक यौगिकों से जुड़ा हो उसे अपन क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन कहेंगे। अगला एक और आता है आपके एल्किल एरोमेटिक एमीन, या जिसे अपन बोल सकते हैं एरोमेटिक एल्किल एमीन या एरिल एल्किल एमीन, मिटा दे। एरिल एल्किल एमीन क्या होता है देखिएगा, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन, इसमें क्या होगा कि जो एमीन समूह होगा एक तरफ किससे जुड़ा होगा, एल्किल समूह से जुड़ा होगा, और एक तरफ किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक समूह से जुड़ा होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं चलो ऐसे बना देता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, यानी C6H5 यानी इसका मतलब यहां पर इधर क्या हो गया, ये बेंजीन NH और ये CH3। ठीक है, तो एरिल एल्किल समूह इसका मतलब या एरिल एल्किल एमीन, यदि जो एमीन समूह है एक तो किससे जुड़ा हुआ हो, एरोमेटिक समूह से जुड़ा हुआ हो, और एक किससे जुड़ा हुआ हो, एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरिल एल्किल एमीन कहेंगे। तो ये अपन एमीन के तीन प्रकार अपन ने देखे, डिस्कस किए। एक तो कौन सा है आपका, एलिफेटिक एमीन, या जिसे अपन एल्किल एमीन भी कह सकते हैं, जब जो एलिफेटिक समूह से जुड़ा होगा, जब बेंजीन सॉरी बेंजीन नहीं एमीन जो है एलिफेटिक समूह से जुड़ा होगा तो अपन बोलेंगे एलिफेटिक एमीन। अगला आता है एरोमेटिक एमीन, जब जो एमीन जो है वो एरोमेटिक समूह से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन। और फिर आता है एरिल एल्किल एमीन, यानी जब एमीन समूह जो है उसका जो नाइट्रोजन जो है वो किससे जुड़ा होगा, एक तरफ एरोमेटिक समूह से जुड़ा होगा और एक तरफ किससे जुड़ा होगा, एल्किल समूह से जुड़ा होगा, तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, एरिल एल्किल एमीन कह सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद पहले हमने बात की थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बारे में, यानी जिस एमीन के अंदर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा आपका, 1 डिग्री एमीन होगा, और जिस एमीन में नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन, और जिस एमीन के अंदर नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक एमीन कहेंगे, और 4 से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, ऊपर से अपन चतुष्क अमोनियम कह सकते हैं, और यदि साथ में अगर क्या हो हेलोजन हो तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण भी कह सकते हैं। ठीक है जी, मिटा दे इनको। चलो अगला अपन बात करते हैं एमीन के नामकरण को लेकर। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेने वाला है लेक्चर जो है, पूरी जो बेसिक जानकारी जो है एमीन की ये अपन इसके अंदर देखेंगे। बात करते हैं अपन एमीन के नामकरण को लेकर, देखिएगा दोनों चीजें मैं एक साथ कराऊंगा, आईयूपीएससी नाम और सामान्य नाम, क्योंकि सामान्य नाम भी एमीन के काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एमीन का नामकरण, एमीन का नामकरण, ठीक है जी, देखिएगा इसका सामान्य नाम जो अपन लिखेंगे, सामान्य नाम अपन लिखेंगे इसका एल्किल एमीन। क्या लिखेंगे सामान्य नाम, क्या लिखेंगे इसका अपन, एल्किल एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, ठीक है। और आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी नाम की अगर अपन बात करें तो वो अपन लिखेंगे एल्केन एमीन, बस यही फर्क है इसके अंदर, कुछ नहीं है, एल्केन एमीन, ठीक है जी। तो सामान्य नाम जो लिखा जाता है किसका, एमीन का, किस तरह से लिखेंगे अपन, एल्किल एमीन। और आईयूपीएसी की बात करें, यानी आईयूपीएसी नाम की अगर हम बात करें तो ये लिखेंगे अपन एल्केन एमीन। क्या लिखेंगे, एल्केन एमीन लिखेंगे। बहुत ही मजेदार चीज है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंजॉय आप करोगे इसको अंदर, ठीक है। एक तो सर्दी आ गई है, थोड़ा ध्यान रखें, है ना। चलो देखते इधर, जैसे इसको मिटा दूं, सामान्य नाम क्या लिखेंगे अपन, एल्किल एमीन, ध्यान दीजिएगा। और आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे अपन, एल्केन एमीन। सामान्य नाम क्या लिखेंगे, एल्किल एमीन, और आईयूपीएसी में नाम क्या लिखेंगे अपन, एल्केन एमीन, ठीक है, मिटा दें। अब देखो इसका अपन एग्जांपल करके देखते हैं, देखो इधर CH3NH2। अब बात करते हैं इसका सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल एमीन, यानी यहां पर एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल है, तो क्या लिखेंगे अपन, मेथिल एमीन। ये तो ये इसका सामान्य नाम। बात करें अपन आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी में अपन क्या लिखते हैं, एल्केन एमीन, यानी मेथेन प्लस एमीन, यानी मेथेन एमीन, एल्केन एमीन, यानी मेथेन
प्लस एमीन क्या हो जाएगा, मैथेनेमीन, क्या हो जाएगा, मैथेनेमीन। ठीक है जी, अगला अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि C2H5NH2। अब बताओ यहां पर ये एल्किल समूह कौन सा है, आप कहोगे सर एथिल है, ठीक है, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, ठीक है। और IUPAC क्या हो जाएगा, एथेन, यानी एल्किल लिखते हैं ना अपन, एथेन प्लस एमीन, यानी क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा। ठीक है जी, और देखते हैं अपन इसको आगे, इसके एग्जांपल एक बार आप फटाफट लेना चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, जल्दी से जल्दी ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते देखो। देखिए इधर अगला अपन लेते हैं CH3NH CH3, और एक लेते हैं अपन CH3NH C2H5। इसका कैसे करें, अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो अपने को करना है क्या करना है, ये दो मेथिल है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई मेथिल एमीन, क्या बोलेंगे, सामान्य नाम यहां लिख रहा हूं मैं, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाई, दो मेथिल है ना, तो डाई मेथिल और एमीन, डाई मेथिल एमीन। बात करते हैं इसके IUPAC नाम की, IUPAC नाम जो है इसका क्या होगा, इसको लेकर हम बात करते हैं, रख दो वहीं, रख दो, IUPAC नाम क्या होगा, देखिएगा इधर, इसमें क्या होगा कि एक को अपन क्या करेंगे, श्रृंखला मानेंगे, और दूसरे को अपन क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे, एक को क्या मानेंगे अपन, श्रृंखला, इधर लियो, इधर रख दो, एक को अपन क्या मानेंगे, श्रृंखला मानेंगे, और दूसरे को अपन क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे, क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। देखो जहां पर जो प्रतिस्थापी जो जिस कार्बन से जुड़ा हो, सॉरी जिस नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ठीक है, उसको अपन लिखेंगे। देखिएगा अब मान लो कि मैं इसको क्या मान लेता हूं, प्रतिस्थापी, यहां पर दोनों समूह समान है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य नाम तो अपन लिख देंगे, दो मेथिल है तो डाई मेथिल एमीन, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एमीन। अब अगर अपन बात करें IUPAC नाम की, बात करें किसकी बात करें, IUPAC नाम की अगर बात करें तो क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं इसको प्रतिस्थापी मान लो, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा एल्केन एमीन, और इसको मानेंगे प्रतिस्थापी, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, मेथिल, क्या हो जाएगा, मेथिल। अब मेथिल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूं कि देखो एन मेथिल, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए एन मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, देखो मेथेन प्लस एमीन, यानी एन मेथिल मेथेनेमीन, एन मेथिल मेथेनेमीन। ठीक है, इस पे आते देखो, यहां आप देख सकते हो कि एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है, ठीक है, तो बात करते पहले इसके अपन सामान्य नाम की बात करें, ठीक है, सामान्य नाम की बात करेंगे तो एथिल और मेथिल दोनों है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है या एम आता है, आप कहोगे सर पहले ई आता है, तो पहले किसको लिखेंगे अपन, एथिल वाले को, तो क्या हो जाएगा, एथिल, फिर क्या हो जाएगा, मेथिल, और क्या है, एमीन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर IUPAC कैसे लिखेंगे, तो बताओ सबसे पहले बताओ कि लंबी श्रृंखला कौन सी है, लंबी श्रृंखला के बारे में बताओ सबसे पहले, कि लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली, तो ये तो हो गया आपका मुख्य समूह, और ये क्या हो गया आपका प्रतिस्थापित, इसको अपन क्या लिखेंगे, मेथिल, यानी किस पर, एन, एन मेथिल, और ये है एथेन प्लस एमीन, यानी एन मेथिल एथेनेमीन, एथेनेमीन। ठीक है जी, ठीक है, चलो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरी भी चाय आ गई है, मैं भी चाय पी लेता हूं, भाई देखो हमारे टीचर के लिए तो चाय एक प्रकार से जो कैसे तो फ्यूल है, डीजल पेट्रोल कुछ भी कह लो, टीचर टीकोचर है ना, टीकोचर, तो टीचर को तो चाय चाहिए भैया, टी के लिए पूछना ही नहीं है। अगर आपके घर पे कोई गुरुजी आ जाए तो उनसे पूछो मत कि सर चाय पियोगे, बना के ले आओ, गरम गरम से गला के आ जाता है, साफ हो जाता है।
और सर्दी में तो भैया अमृत का काम करती है। ठीक है जी, तो बहुत सीधा सा है ये, मैं इसको खत्म कर लेता हूं। शक्कर कुछ ज्यादा मिला दी बंदे ने। चाय बहुत मीठी थी, बहुत ज्यादा मीठी कर दी आज, तो पहली बार इतनी मीठी चाय पी। चलो और लेते हैं इसके एग्जांपल, देखो आगे देखते हैं इसके अपने एग्जांपल और। देखो इधर CH3 एंड CH3 CH3 ये लोन पे होते हैं इसके। यहां पर अब यहां पर देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है तीन मेथिल समूह से जुड़ा होता है, सामान्य नाम क्या हो जाएगा बताओ, ट्राई मेथिल एमीन। आप समझ गए होंगे डायरेक्ट सीधा, ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है जी, ट्राई मेथिल एमीन ये हो गया सामान्य नाम। गुरुजी IUPAC कैसे करेंगे, देखो इधर IUPAC में क्या होगा कि मुख्य तो आप एक कोई मान सकते हो, या तो चाहे आप इसको मानो या फिर आप इसको मानो या फिर इसको मानो, किसी को भी ले लो क्योंकि स्थिति सब समान है यहां पर। तो मान लो कि मैं इसको मान लेता हूं मुख्य समूह मान लेता हूं, तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए बताओ, प्रतिस्थापी हो गए। किस पर जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन पर। तो क्या लिखूंगा मैं, दो बार लिखूंगा N, NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, फिर ये क्या है मेथेन प्लस एमीन यानी मेथेनेमीन, क्या हो जाएगा मेथेनेमीन। कोई दिक्कत है, क्लियर। आगे देखो जैसे एक और लेते अपन CH3, ये N इधर लेता हूं मैं C2H5 और ये CH3। अब इसमें क्या करें, देखो देखो इसके अंदर भाई मुख्य श्रृंखला तो अब इस बार ये हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर ये दोनों क्या हो गए बताओ, ये दोनों हो गए प्रतिस्थापी। ठीक है गुरुजी, पहले तो सामान्य नाम की बात करो, सामान्य में कैसे करेंगे, देखो ये क्या है एथिल, तो लिख दो एथिल सबसे पहले लिख दिया। अब देखो ये दो समूह है तो डाई, डाई क्या है दो, क्या है दो मेथिल है तो डाई मेथिल, और फिर ये क्या है एमीन, ये हो गया इसका सामान्य नाम। बात करते हैं इसके IUPAC नाम की। अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो आप देख सकते हो सीधा सा कि यहां पर देखो ये मुख्य श्रृंखला हो गई, तो ये भी क्या है प्रतिस्थापी, ये भी क्या है प्रतिस्थापी, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, तो क्या लिखेंगे N, डाइमेथिल, और ये क्या हो जाएगा एथेन प्लस एमीन यानी एथेनेमीन, क्या हो जाएगा एथेनेमीन। ठीक है, तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख ले जी, मिटा दें। चलो और देखते, देखो NH2 और बारे इसका कैसे करें, ये तो कुछ अजीब से ही आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला लो, ठीक है इसके अंदर कार्बन तो है नहीं, ये लंबी श्रृंखला ही होगी। अब अंकन उस दिशा से करो जिधर से NH2 नजदीक हो, किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, तो 1 2 3 4 अंकन उस दिशा से करो जिस दिशा से NH2 समूह क्या हो निकट हो, उस दिशा से अपने को अंकन करना है, उस दिशा से अपने को अंकन करना है। ठीक है जी, चलो अब अपन करते हैं अंकन। नाम क्या करेंगे इसका, क्या नाम लिख सकते हैं सोचो आप, IUPAC बताओ आप तो। चलो इसका तो कोई रोल होता नहीं है, साधारण नाम का तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं इनका, तो है ना, इसका तो अपन क्या लिख सकते हैं N-butylamine लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं N-butylamine लिख सकते हैं इसका, तो इसका तो कुछ ही नहीं कह सकते अपन भाई, N-butylamine यानी एक सीधी श्रृंखला हो गई। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है IUPAC नाम, 1 2 2 पे क्या जुड़ रहा है एमीन, कार्बन कितने 4, तो ब्यूट 2-amine, क्या हो जाएगा ब्यूट 2-amine। उम्मीद करता हूं कि अभी इस प्रकार के नामकरण का अगर कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे आराम से, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर पाओगे।
ठीक है जी, या एक दो एग्जांपल और कर लेते, चलो अपन आपकी सुविधा के हिसाब से मिटा दे इसको, चलो यहाँ कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक और, CH3NH2BrCH2CH3, ये हो गई आपकी मुख्य श्रृंखला। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी अंक इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 3 पर क्या है ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो कार्बन, कितने बताओ 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, फिर 2 पे क्या है एमीन, तो 2 एमीन, क्या हो जाएगा 2 एमीन, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंट 2 एमीन, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके नामकरण किसका, एमीन का, किसका नामकरण हो गया आपके एमीन का। अब इसके अंदर देखो कुछ जगह पे जैसे कि आपके इसका एरोमेटिक एमीन के भी दे रखे, तो उसको भी अपन कर ही लेते हैं, मिटा दे इसको। एरोमेटिक एमीन का नामकरण क्या होगा देखो इधर देखते हैं, देखो इधर एरोमेटिक एमीन में अपन बात करते हैं, जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन पर लगा दिया मान लो NH2, तो इसका फेमस नाम है, बहुत ही फेमस पड़ चुके अपन पहले ही, एनिलीन, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं एनिलीन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कि ये क्या है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है एमीन, है ना, IUPAC की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ज्यादातर इसका नाम अगर अपन बात करेंगे किताब में अगर आप देखोगे तो आपको एनिलीन ही मिलेगा, क्योंकि इसी नाम से ये ज्यादा फेमस है, इसी नाम से ये ज्यादा फेमस है। जैसे होता है ना कि कोई जो बच्चा जो होता है, ठीक है, उसका रिकॉर्डली नाम कुछ अलग होता है और बाकी नाम लोग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे मान लो कि किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है जिसका नाम है मान लो रामलाल, ठीक है, रिकॉर्ड में उसका नाम क्या है रामलाल, लेकिन गांव में सब उसको मुन्ना कहते हैं। अब बाहर से कोई आदमी आता है अगर यहाँ पर रामलाल रहता है तो लोग कहते हैं यार रामलाल कौन है, क्योंकि लोग तो सब उसको मुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही है भैया, इसका नाम जो IUPAC नाम क्या है, बेंजीन प्लस एमीन, यानी बेंजेनेमीन, बेंजीन प्लस एमीन यानी क्या हो जाएगा बेंजेनेमीन। लेकिन इसका जो फेमस नाम है वो कौन है एनिलीन, कौन सा है एनिलीन, इसलिए ज्यादातर आपको एनिलीन के नाम से मतलब आपको मिलेगा कहीं पर भी आप देखोगे तो, ठीक है जी। अगला और देखते देखो, CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा सबसे पहले, तो देखिए इस तरह का अगर आ जाए तो अपन बोल सकते हैं उसको बेंजिल एमीन, क्या बोल सकते हैं बेंजिल एमीन कह सकते हैं। ये बेंजिल समूह हो जाएगा, यहां से एक कार्बन निकल गया, ठीक है, और IUPAC की बात करें तो क्या हो जाएगा ये आपका मुख्य समूह हो जाएगा, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा मुख्य समूह। और जब बेंजिन किस रूप में हो, प्रतिस्थापी के रूप में हो, और जब बेंजिन प्रतिस्थापित हो उसको क्या बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं फेनिल, और कार्बन कितने 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास फेनिल एथेनेमीन, क्या हो जाएगा फेनिल एथेनेमीन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा फेनिल एथेनेमीन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें जैसे मान लो कि ये है CH3, बताओ जब जो बेंजीन जो होता है अगर उसके ऊपर क्या लगा हुआ हो CH3 समूह लगा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं टोलुइन कहते हैं, क्या कहते हैं टोलुइन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थो टोलुइन, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं अगर NH2 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा NH2, तो ये हो जाएगा ऑर्थो टोलुइडिन, क्या हो जाएगा ऑर्थो टोलुइडिन, क्या हो जाएगा ऑर्थो टोलुइडिन या टोलुइडिन टोलुइडिन, ये तो हो जाएगा इसका सामान्य नाम। बात करता है IUPAC की, क्या हो जाएगा 1 2 2 पे क्या जुड़ रहा है मेथिल, तो 2 मेथिल, और फिर क्या हो गया बताओ ये 2 पे क्या गया मेथिल, आपको बताओ क्या हो गया ये बेंजेनिमिन, बेंजिन प्लस एमिन, तो 2 मेथिल बेंजेनिमिन, क्या हो जाएगा 2 मेथिल बेंजेनिमिन, इस प्रकार से 2 मेथिल बेंजेनिमिन। तो ये हो गया आपके इसके IUPAC नाम, बाकी बहुत सारे नाम आपके अंदर दे रखे हैं किताब के अंदर, आप वहां से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। जो नियम जो है वो मैंने आपको जनरली बताई दिए हैं और इसी हिसाब से आपको सारी चीजें आपको लेकर चलनी है, ठीक है जी, क्लियर। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो
आप देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर मान लो कि कोई भी ऐसा नामकरण जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, आप उसका फोटो लेके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखे हैं स्क्रीन के अंदर, और अगर जिसको पता नहीं है आप नोट कर लो 98297 कितने होते 98297996377। ठीक है, तो ये है व्हाट्सएप नंबर। आप जो भी टॉपिक आपकी समस्या है फोटो खींच के उसको भेजो, ठीक है, सॉल्व कर दी जाएगी नामकरण को लेकर कोई भी समस्या होगी तो। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि जो एमीन है, एमीन में समावयवता, एमीन में समावयवता, आइसोमेरिज्म, एमीन में समावयवता। बात आती सर ये समावयवता क्या होती है, ठीक है, इलेवंथ आप पढ़ चुके हो डिटेल में। दो या दो से ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, समावयवी कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। अगर अपन बात करें एमीन की, तो एमीन जो है मुख्य रूप से चार प्रकार की समावयवता दर्शाता है। कौन कौन सी, एक तो दर्शाता है श्रृंखला समावयवता, यानी चेन आइसोमेरिज में श्रृंखला समावयवता। दूसरी दर्शाता है स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। तीसरी दर्शाता है यह क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। और चौथी दर्शाता है यह मध्यावयवता, मध्यावयवता। ठीक है, तो ये चार प्रकार की समावयवता दर्शाता है। देखो श्रृंखला समावयवता में क्या होगी, श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, स्थिति समावयवता में क्या होगी, स्थिति भिन्न भिन्न होगी। क्रियात्मक समय क्रियात्मक समूह अलग अलग होगा। और मध्यावयवता में दोनों तरफ लगे हुए समूह क्या होंगे, अलग अलग। डिटेल में चर्चा करते हैं, घबराता कहीं को है, अभी बताते हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो श्रृंखला समावयवता, सबसे पहले बात करते हैं श्रृंखला समावयवता की। देखिएगा तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे CH3CH2CH2CH2NH2। ठीक है, बताओ इसके अंदर कार्बन कितने, देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन यानी C4। हाइड्रोजन कितने, देखो तीन और दो पांच, और दो सात और दो नौ, यानी H9 और NH2। ठीक है, ये इसका हो गया अणुसूत्र, क्या हो गया अणुसूत्र। अगला देखो, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं CH3CH CH3CH2NH2। ठीक है, यहां मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने थे, यहां मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, चार। यहां मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने बताओ, यहां मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, तीन। ये तो प्रतिस्थापी हो गया, ये तो क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला में तो कार्बन तीन ही बचे ना, है ना। ठीक है, अब काउंट करते हैं, देखो कार्बन कितने, एक दो तीन चार, चार कार्बन C4। हाइड्रोजन देखो तीन, तीन छः और एक सात और दो नौ, यानी H9 और NH2। अब बताओ इसका भी सूत्र क्या है, C4H9NH2। लेकिन इसकी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं रे, चार है। इसकी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, तीन है। तो श्रृंखला भिन्न भिन्न हो गई, एक की श्रृंखला में कार्बन चार है और दूसरी की श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, तीन है। तो श्रृंखला क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई, तो उसे हम बोलेंगे श्रृंखला समावयवी। यानी इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं अपन, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम पर क्या बोलेंगे, श्रृंखला समावयवी कहेंगे। तो इस प्रकार के मेरे हिसाब से आप बहुत सारे एग्जाम्पल और देख सकते हो, बहुत सारे आप इसके देख सकते हो, है ना। ठीक है जी, चलो इसका अपन बनाना चाहते हो और बना सकते, देखो इधर इसका और बना दो, एक CH3 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 और ये NH2। देख लो, अब मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन कितने बताओ, दो ही है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, दो है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके तीन श्रृंखला समावयवी हो गए, कितने हो गए, तीन श्रृंखला समावयवी इसके हो जाते हैं। ठीक है,
क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके श्रृंखला समावयवी, यानी दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या जो है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें अपन बोलेंगे श्रृंखला समावयवी। ठीक है जी। तो श्रृंखला समावयवी क्या कहेंगे, अणुसूत्र समान लेकिन मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एमीन में श्रृंखला समावयवता कैसे होगी। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं किसकी, स्थिति समावयवता की। इसमें क्या होगा, देखो स्थिति बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। देखना इधर, यही ले रहा हूं मैं वापिस C4H9NH2 का एग्जाम्पल, C4H9NH2 इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। श्रृंखला हो गया अपना, स्थिति देखते हैं हम। देखो C4H9NH2 यहां लिख रहा हूं मैं, देखो CH3CH NH2 CH2 CH3। ठीक है जी, CH3 CH2 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 और ये NH2। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगी इसका नाम क्या होगा, ये एक दो तीन चार चलो से बराबर है, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका अपनांकन करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा बताओ, 2-amine सॉरी ब्यूट टू एमीन। ठीक है, इसका देखो 1 2 3 4 इधर से अंकन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1-amine। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि श्रृंखलाएं समान है, अणुसूत्र समान है, लेकिन जो एमीन है, एमीन की स्थिति क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें एमीन पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसमें एमीन दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसे अपन बोलेंगे स्थिति समावयवता। क्या कहेंगे, स्थिति समावयवता। ठीक है, यौगिकों के अणुसूत्र, इसके अंदर अगर आप काउंट करके देखोगे कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, इसके अंदर भी कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, कितने हैं, 9 है। ठीक है, यानी अणुसूत्र समान हो लेकिन क्या हो, जो एमीन है इसकी जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न हो, उसे अपन बोलेंगे स्थिति समावयवता। क्या कहेंगे, स्थिति समावयवता। तो समझ में आ गया, स्थिति समावयवता किसे कहेंगे, यहां पर देख सकते हो एमीन कौन से कार्बन पर है, दूसरे पे, यहां किस पर है, पहले कार्बन पर। ठीक है, तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्रियात्मक समूह की स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, स्थिति समावयवी कहेंगे। और ये जो घटना है, ये घटना क्या कहलाएगी, स्थिति समावयवता कहलाएगी। ठीक है जी, मिटा दे इसको भी, चलो ये हो गई आपकी कौन सी समावयवता, स्थिति समावयवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली आती है कौन सी, क्रियात्मक समूह समावयवता। कौन सी आती है, क्रियात्मक समूह समावयवता। देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन जो क्लास है ना, इसकी एक मैं आपको एक सत्यता बताता हूँ, वास्तविकता सुनिएगा ध्यान से, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में क्या फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास क्या है, समझना ध्यान से। देखो, अब आप खुद सोच रहे हो सर आप खुद ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो, वास्तविकता बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इनमें से। ठीक है, मैं एक यूँ समझ लो कि एक हेल्प है मेरी तरफ से, तो मेरी तरफ से क्या, एक हेल्प है। ठीक है, अगर आप ये, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर वीडियो पे एड आते हैं उसके पैसे मिलते होंगे, अरे बेटा जो वीडियो के जो एड का अगर आप पैसा मिला और जो इस पर जो क्लासेज हम लगाते हैं ना, इसका अगर खर्चा मिला हो ना, ठीक है, तो ये क्लासे रिकॉर्ड करने का और सब अपलोड करने का नेट का चार्ज, रिकॉर्डिंग चार्ज, एडिटिंग चार्ज, अगर आप सब मिला के देखोगे तो एक वीडियो पे जो अगर आपका खर्चा देखते हो अगर आप, तो वो पड़ जाता है 500 से 600 रुपये, और अगर एड का मिलाओगे तो 15 से 20 रुपये ही नहीं बन पाते हैं, है ना। तो कोई मतलब नहीं है एड का, ये दिमाग से निकाल दो, आपके एड के पैसे हैं, कोई मतलब नहीं है एड का। तो ठीक है, एड का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रख लेना, उसकी कोई कमाई नहीं है एड की, अगर आप निकालोगे तो कोई मतलब, अगर ना के बराबर है खर्चा, अगर देखो और फिर एड की कमाई देखो तो एड की कमाई क्या है, ना के बराबर है। ये केवल आपके लिए एक व्यवस्था के लिए है, आपकी सुविधा के लिए है, बस ये कि हम देखो जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो वैसे देखो बच्चों से मिलता है, भगवान के दया से देखो सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हेल्प के लिए है। अब एक वास्तविकता बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में क्या है और ऑफलाइन में क्या फर्क है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपका जो भी डाउट है आप टीचर से तुरंत पूछ सकते हो, लाइव चीज सामने है। अब जैसे अगर मान लो ये लाइव है तो आप कमेंट लिख कर टाइप कर दोगे, मान लो कि अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन भाई देव मान लो ये लाइव भी होती क्लास, तो आप क्या करते हैं इसमें
कमेंट टाइप करके छोड़ देते, टीचर पढ़ता उसको, ठीक है, तो उतना जवाब थोड़ी मिल पाता है आपको। एक आप जैसे मान लो क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, सामने टीचर आपके पढ़ा रहा है बिल्कुल सामने, तो आप खड़े होकर कह सकते हो कितनी भी आप मतलब 5-10 मिनट आप बिल्कुल वाकपटुता से, वो आप बोल रहा है टीचर बोल रहा है आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो टीचर सुन रहा है, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब ऑनलाइन में आप यूँ समझ सकते हो इसको, एक सीधी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि कोई आम है मैंगो, ठीक है, उस आम को एक पारदर्शी थैली में डाल के आपको दे दिया है ना, पारदर्शी थैली में डाल के आपको दे दिया, फिर आपको कहा चाटो है ना, आम को थैली में डाल के आपको दे दिया और कहा चाटो, तो क्या आम का स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा। दिख रहा है आम, आम दिख रहा है लेकिन आप उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हो, तो यही है ऑनलाइन क्लास भी, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन होती है, ठीक है, बहुत सारे कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, देखो उनका अलग से बिजनेस है, उनका सबका अलग अलग मोटो होता है, ठीक है, किसी का पैसे कमाना है, किसी का सहायता करना है, तो ऐसे बहुत सारे टीचर है यार जो बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, खूब सारे टीचर हैं जो फ्री में डाल रहे हैं, फ्री में कंटेंट डाल रहे हैं। मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ कि जितना आपको मिल सकता है, जहाँ से मिल रहा है आप लो, जहाँ से भी मिल रहा है आप लो, ठीक है, आपके पास डेटा है, इंटरनेट है, आप लो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो जैसे मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी अगर जिसे आपको और चाहिए, जैसे मान लो संकल्प समता के एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, या स्थिति समता के एग्जाम्पल आपको चाहिए, क्रियात्मक समता के एग्जाम्पल आपको चाहिए, तो एग्जाम्पल आपको क्या मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे। या अगर और एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो जैसे जो मैंने कहा था, जो हमने नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, है ना, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करो यार, वहाँ पे एग्जाम्पल खूब सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कराना तो पॉसिबल है नहीं, अगर सारी चीज़ें अगर कराएंगे तो, जैसे कि ये मान के चलो कि जो वीडियो जो आपको एक घंटे का मिलता है, उतना जो मैटर मिलता है, वही मैटर अगर ऑफलाइन क्लास में करवाया जाए तो उसको 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं, तो ठीक है। तो वो ऑफलाइन में अलग चीज़ होती है, सारी चीज़ें बच्चों को लिखाई जाती है, ठीक है। अभी हालात ऐसे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस चला नहीं सकते अपन, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप, जहाँ पे भी जो कहीं से भी देख रहा हो, ठीक है, लोकल हो चाहे बाहर का हो, मेरा ये मकसद ये नहीं कि मतलब मैं मेरी ऑफलाइन क्लास का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ कि आपको और चीज़ कहाँ पे आपको देखनी चाहिए, ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं क्रियात्मक समूहसमावता के बारे में। देखिए क्रियात्मक समूहसमावता में वही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखिएगा इधर C4H9NH2, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं CH3CH2CH2CH2NH2। बताओ यहां पर जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। अगला लेते हैं अपन, देखो CH3NH, ठीक है, CH2CH2CH3, आप काउंट करके देख सकते हो, इसके अंदर देखो कार्बन, देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 और 2, 5 और 2, 7 और 2, 9, यानी C4H9 हो गया। यहाँ देखो 3 और 3, 6, 2, 8 और 2, 9, हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हो हाइड्रोजन की संख्या, तो आप देख ही सकते हो, देखो 3 और 3, 6, 6 और 2, 8 और 1, 8 और 2, 10 हो गए इसके अंदर, यानी हाइड्रोजन ये इसका यहाँ पर हो गया, बात एक ही होगी ना, टोटल नाइट्रोजन तो यही है। अगर आप इसको लिखना चाहो इसके अंदर टोटल, मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इधर कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन टोटल देखना इधर 9 और 2, इसके भी तो ये है, और 9 और 2, 11, यानी H11 और ये N, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, हाइड्रोजन को टोटल एक साथ करके लिख दे, यानी C4H11N, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन कितने, 3, 3, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 1, 11, यानी H11 और ये N। बताओ दोनों का अणुसूत्र समान है या नहीं है? है, लेकिन यहाँ जो एमिन है ये कौन सा है, 1 डिग्री एमिन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ आप देखोगे नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 डिग्री एमिन, यानी इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा हो गया, 1 डिग्री, इसके अंदर कौन सा हो गया, 2 डिग्री, यानी अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग है। अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह समवयवी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह समवयवी। इसका देखो 3 डिग्री भी बना सकते हैं अपन, देखो CH3NH CH2 CH3 और ये CH3, टोटल करके देखो 3 और 3, 6 और 3, 9 और 2, 11, लेकिन यहां पर देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 3 से जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 डिग्री एमीन, क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H11N,
ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग हो, उसे अपन बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावयवी। और यह घटना क्या कहलाएगी, क्रियात्मक समूह समायोता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्रियात्मक समूह समायोता कहलाएगी। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है जी। चलो मिटा दें इसको, चलो ठीक है। ये हो गई आपकी श्रृंखला समायोता। अगला आता है आपका मध्यावयवता। देखिएगा मध्यावयवता में क्या होगा, देखो इधर मध्यावयवता में इसको समझिएगा ध्यान से। वही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक ही, आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। C4H9NH2 यहां लिख रहा हूं मैं, CH3NH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगला ले रहा हूं मैं CH3 CH2NH CH2 CH3। दोनों में क्या देख रहे हो आप, यानी जब नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो समूह होंगे, एल्किल समूह, वो क्या होंगे, अलग अलग। इसमें एक तरफ क्या लग रहा है, देखो मेथिल, एक तरफ क्या लग रहा है, प्रोपिल। एक तरफ तो मेथिल है, एक तरफ प्रोपिल है। इसमें एक तरफ क्या है, एथिल, और दूसरी तरफ भी क्या है, एथिल है। यानी नाइट्रोजन से जुड़े हुए समूह क्या हो गए, अलग अलग हो गए। नाइट्रोजन मध्य में ही है, मध्य में ही हिल रहा है इधर उधर, मध्य में ही, ठीक है, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, यानी मध्य में हिल रहा है, ये मध्य में है, बाहर नहीं जा रहा है। देखो यहां से ये थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा इधर, मध्य में ही। मध्यावयवता का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ जुड़े हुए जो एल्किल समूह है वो क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न, उसे अपन बोलेंगे मध्यावयवता। क्या बात है यार, आज तो मेहरबान हो गए लोग, एक ही क्लास में दूसरी बार चाय, लगता है कंप्लेन चली गई मेरी, ज़्यादा शक्कर वाली है ना। देखो दूसरी बार चाय आई यार, तो मेहरबानी हो गई आज। तो मध्यावयवता में क्या होगा, ये ठीक है, इसमें बहुत कम शक्कर है, ऐसी चाहिए। मध्यावयवता में क्या होगा कि दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उससे अपन बोलेंगे मध्यावयवता। क्या कहेंगे, मध्यावयवता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देवनगरी आसिंद, जहां स्वयंभोज का प्रसिद्ध मंदिर है और जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, यहीं से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है देवनारायण का जन्म स्थान, मालाशेरी की डोंगरी जिसे हम जानते हैं, और यहीं से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है गोठा दड़ावट। ये सारे नाम अगर आपने सुन रखे हैं तो इसका मतलब आपका जीके ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके इसके अंदर समायोता, ठीक है। तो क्लास में, आज की क्लास में हमने बात की किसके बारे में, एक तो एमीन के नामकरण को लेकर, एमीन के प्रकार के बारे में, एमीन के अंदर समायोता किस प्रकार की होती है इसको लेकर हमने चर्चा की। बहुत ही बेसिक वीडियो था, देखिए जितने भी जो बेसिक थे मैंने आपको करवा दिए, बाकी इसके एग्जाम्पल आपको किताब के अंदर मिल जाएंगे, बहुत सारी रिफ्रेशर मार्केट के अंदर मिलती है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो टेलीग्राम से हमारे नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर भी आपके इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास को आपने इंजॉय किया होगा, बीच में छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हुआ है चाय को लेकर, तो देखो वो भी तो ज़रूरी है यार, जब अंदर फ्यूल नहीं जाएगा तो ईंधन चलेगा कैसे, इंजन के चलने के लिए अंदर क्या चाहिए, फ्यूल भी तो चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, विदा लेते हैं, पढ़ाई करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, सर्दी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। आज आसिंद में सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम था, लेकिन सर्दी तो है, ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।